ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है बच्चे डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन आपका ना बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, नॉट जस्ट क्योंकि एग्जाम में ये आता है, पर आप जब कंपनीज में जाओगे ना बच्चे तो डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपको दिखेगा ही दिखेगा, समझ रहे हो? तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई थ्योरेटिकल या कुछ है। तो प्लीज मेरे साथ साथ ना इसको लिखते भी रहना, ठीक है? नोट्स बनेंगे तो अच्छे से। आइए सबसे पहले मैं आपके साथ ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करता हूँ। थ्योरेटिकल बात ये है भाई, डेप्रिसिएशन का मतलब लिखते हैं, आ जाओ पहले। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ, मेरा आपसे सवाल, किस चीज में फॉल होती है बेटा वैल्यू, किस चीज की वैल्यू गिरती है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स सर, करेक्ट, गुड एसेट्स गुड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल पूछेंगे जी, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। इट इज फॉल, फॉल बोले तो गिर जाना, किस चीज का गिर जाना, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरा आपसे सवाल है, इनटैंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बोले तो टैंजिबल या इनटैंजिबल? टैंजिबल सर, टैंजिबल टैंजिबल। टैंजिबल अच्छा, इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू गिर गई तो, इनटैंजिबल गिर गई तो, एमोर्टाइजेशन हाँ एमोर्टाइजेशन, एक बच्चे ने बोला एमोर्टाइजेशन, करेक्ट। तो भाई मैं एमोर्टाइजेशन नहीं करा रहा, तो मैं एमोर्टाइजेशन के ऊपर तो अलग लॉजिक चलते हैं जिंदगी में, कुछ इंटरमीडिएट में देखोगे तो। बेसिकली ये फिक्स्ड एसेट कौन सा है बच्चे? ये फिक्स्ड एसेट है टेंजिबल एसेट के ऊपर, सबसे पहली बात। और अब यहां पे छोटा सा लिख सकते हो अलग से, कि सर अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरे तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एमोर्टाइजेशन, ठीक है जी, उसको बोला जाता है जी एमोर्टाइजेशन, बिल्कुल। मेरी आपसे दूसरी सवाल बेटा, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिरने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट? करंट एसेट जो एक साल में कन्वर्ट हो जाते हैं उसकी वैल्यू भी गिरना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को ही गिरना डेप्रिसिएशन? बोलिए बोलिए बोलिए, आपसे आपका कोई जूनियर या कोई पूछ रहा है कि एक बात बताओ भैया, अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, एक बात बताओ भैया, अगर मेरे डेटर की वैल्यू कम हो गई, एक बात बताओ भैया, अगर मेरा कोई भी करंट एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई, क्या उसको भी डेप्रिसिएशन बोलते हैं क्या? ना रे ना, उसको डेप्रिसिएशन तुम नहीं बोलते, हालांकि वो नुकसान है, जैसे डेप्रिसिएशन नुकसान है वो भी नुकसान है, पर बेटे वर्ड हम डेप्रिसिएशन यूज नहीं करते हैं। मुझे बताइए यहां तक पहले सब बच्चों को क्लियर है? सर अब आप मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, क्यों गिरती है बच्चे वैल्यू? बच्चे ही बताएंगे। गारंटी क्या रीजन होता है बच्चे? वियर एंड टीयर, वेरी गुड आस्था जी, ऑप्शन है, पैसेज हाँ ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले लिख देते हैं वियर एंड टीयर, दूसरा आपने बोला पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, हाँ इसको एफ्लक्स ऑफ टाइम भी बोला जाता है। और क्या कारण हो सकता है बेटा क्यों वैल्यू गिर जाती है? हाँ जी प्रणब, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, बिल्कुल गुड, बहुत ही सही। और पहले उससे पहले मैं लिख देता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, और अगर मैं बोलूं, आपने बोला था ऑब्सोलेंस, सर सबसे पहला पॉइंट वियर एंड टीयर, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, तुमने मोबाइल खरीदा, तुम उस मोबाइल को बार बार यूज कर रहे हो,
क्या मैं कह सकता हूँ उसको, जैसे जैसे तुम यूज करो उसकी वैल्यू गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है। आपके पीछे बैठे फैन दिख रहा है आपको, फैन चल रहा है, कहने से वियर एंड टियर है, वैल्यू गिर रही है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर मैं बोलूँ मोबाइल फोन, सर जी मोबाइल फोन को मैं यूज कर रहा हूँ डेली, इधर रख रहा हूँ इधर रख रहा हूँ, कभी गिर जाता है, यूसेज है, वैल्यू गिर रही है। आप गाड़ी चलाते हैं, यूसेज है, वैल्यू गिर रही है। तो भाई सीधी सी बात है, एसेट को यूज करोगे पुराना लगेगा, कपड़े पहनोगे कपड़े धोओगे पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको वियर एंड टीयर ही बोला जाता है। लेकिन सर जी और आगे चलते हैं, वियर एंड टीयर तो आपको पता है, मेरा आपसे सवाल है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे, सपोज करो मैं ना एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक बाइक खरीद रहा हूं, आपने वो बाइक का नाम सुना है सुपर मीटियोर 650, सुना है किसी बच्चे ने? नहीं सुना हुआ अभी बच्चों ने, है ना? तो मान लो मैं ये बाइक खरीद रहा हूं, ये बाइक है बच्चे 4,50,000 की। सर कौन सी बाइक है ये? रॉयल एनफील्ड की बाइक, और मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना सर, मैं तो इसको ड्राइंग रूम में ही ले आऊंगा, शोरूम से निकालूंगा और सीधा ड्राइंग रूम में, मैं नहीं चलाऊंगा, टायर खराब हो जाएंगे, सीट पे नहीं बैठूंगा, सीट एकदम गड़बड़ हो जाएगी, मैं बाहर लेके ही नहीं जाऊंगा, किसी ने स्क्रैच मार दिए तो। बेटे 1 साल हो गया बेटा, 1 साल, मैंने सोचा चलो मैं बेच देता हूं, मुझे आप बताइए क्या आप मेरे से 4,50,000 रुपए में ले लोगे वो बाइक? नहीं सर, भाई 1 किलोमीटर भी नहीं चली, नॉट इवन 1 किलोमीटर, सो वियर एंड टीयर इज जीरो, इट्स जस्ट ब्रांड न्यू, और मैंने घर के अंदर रखी थी, मिट्टी भी नहीं लगने दी कि मैं बोलूं उस पे, मैंने कपड़ा भी लगाया एकदम इंटैक्ट पॉलिथिन में कवर्ड। आप मुझे बताइए 1 साल बाद क्या आप 4,50,000 की मैंने खरीदी, 4,50,000 की ले लोगे? कितने नहीं सर, की लोगे? एक लाख मत बोल देना बेटे बस। कितने की लोगे बताओ? क्या मैं कह सकता हूं इससे कुछ कम वैल्यू, मान लो 4,10,000, ठीक है, रीजनेबल इनफ। आप मुझे बता दीजिए मेरी वैल्यू कितने रुपए से गिर गई बच्चे? 40,000 क्या वो वियर एंड टीयर की वजह से गिरी है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से गिरी है? पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि भैया जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं होता कि तुम उसको चलाओगे नहीं तो वैल्यू गिरेगी नहीं, ठीक है, जिंदगी में अगर तुमने कोई एसेट खरीद लिया, मैं कह रहा हूं तुमने 5 मिनट बाद भी बेचा तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। कैसे? एक बात बताओ, मैं अभी अभी होंडा सिटी शोरूम से लेकर आया और मैं अभी बेचने को तैयार हूं तुम्हें 10 मिनट बाद, क्या तुम उसी प्राइस पे ले लोगे? मैं 12 लाख की खरीद कर आया, 12 लाख की ले लोगे? नहीं हाँ सर, नहीं लो सर, वियर एंड टीयर तो है नहीं, पर बेटे सेकंड हैंड तो हो गई ना, पैसेज ऑफ टाइम, मैं कह रहा हूँ चाहे 10 मिनट का पैसेज ऑफ टाइम हो, 10-15 हज़ार वैल्यू गिर जाती है। ठीक है जी, अब आप मुझे नेक्स्ट बताइए। ठीक है बच्चों, क्या ऐसा होता है? अच्छा सबसे ज्यादा, ये तो तुम्हारे सामने ही हो रहा है यार, सबसे ज्यादा किन चीजों की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है आज के टाइम पर? गाड़ियों की हो रही है या लैपटॉप मोबाइल्स टेक्नोलॉजी की हो रही है? आपके हिसाब से किसकी वैल्यू ज्यादा जल्दी गिर रही है बच्चे, लैपटॉप की या बाइक की? लैपटॉप, आई थिंक करेक्ट लैपटॉप, करेक्ट, मोबाइल्स। मोबाइल्स। क्यों क्यों गिर रही है ज्यादा? क्यों 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 क्यों? हर दिन नया आ जाता है। एग्जैक्टली भाई, आईफोन लॉन्च होता है 8-9 महीने बाद, दूसरा आईफोन लॉन्च हो जाता है तो पुराने वाले की वैल्यू गिर जाती है, वो लेटेस्ट नहीं होता, आपको अपने सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर बेटा इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि आपको स्पेयर पार्ट से मिलने बंद हो जाते हैं। मैं तुमको बता रहा हूं, आपने प्रोट्रॉनिक्स का नाम सुना है? प्रोट्रॉनिक्स, यस सर, मेरे पास ना उसका ब्लूटूथ था, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा ब्लूटूथ था, एक ऐसे देखा है ना आपने ईयर में लगता है ब्लूटूथ इतना सा, ठीक है,
बहुत पुराना था बेटा, 5 6 साल पुराना था, ठीक है। मेरा ना उसका चार्जर खो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सर, 5 साल ही हुए हैं, ठीक है। मैंने पूरा नेहरू प्लेस छान मारा बेटा, लेकिन मेरे को उसका चार्जर नहीं मिला, क्योंकि जब प्रोट्रॉनिक्स का वो ब्लूटूथ ही बनना बंद हो गया बेटा, उसके चार्जर की डिमांड खत्म, मेरे को चार्जर मिला ही नहीं, वो ब्लूटूथ खराब हो गया। आप मुझे बताइए ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है ना बच्चों? इसको यस क्या सर, बोला जाता है भाई? टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि मेरे पास जो एसेट है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये iPhone 12 है, ठीक है, मान लो ये मैंने 12 खरीदा, सर मैंने कितने रुपए का खरीदा? 80,000 का। आप मुझे बताओ कितने में लोगे बेटे? 1 साल हुआ अभी, आप बताइए कितने में लोगे? बोलो बोलो। पलक जी कितने में डील डन करें? बोली लगाओ बेटे। जितना कम से कम में दो। जितना कम से कम ले ले 79,000 का। प्रणव 20,000 कह रहे बेटे, दिल मत तोड़ बेटे मेरा। हाँ जी लगाओ बेटे बोली। सागर, संगम, यश, नितिन, मनु, लक्ष्य, देखते हैं बेटे। 40,000। देवरात 50,000 विद चार्जर। प्रणव 20,000, प्रिया 30, देवरात इज वेरी रिच। देवरात ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है अभी, 50 की। सागर 40, अन्नू 30, मनु 40, प्रिया 30, आस्था 55, रिचेस्ट स्टूडेंट 55,000। आस्था जी डन हो जाएगी डील बेटे। यश 32-35, मनु 55, नितिन 59। ये तो बेटे डील किसके साथ डन हो गई जिसकी सबसे ज्यादा? ओहो, जतिन 65,000। तो बेटे मेरे पास एविडेंस है, जूम की मीटिंग के अंदर मैं, सौरभ चौधरी, अपना फोन जो हाईएस्ट बिडर है जिसका नाम है जतिन, वो 65,000 में बेचता हूं। बताओ बेटे ये सही बात है कि नहीं है? एविडेंस हो गया कि नहीं हो गया बेटे? जतिन जी डील डन? जतिन लग रहा है मीटिंग से ही चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये तो आपने बोली लगाई कि 65,000 पे है, पर आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूँ ट्रू सेंस में इसकी वैल्यू बहुत गिर चुकी होगी? हाँ बिल्कुल, हाँ सर, यस सर, इसकी वैल्यू 1 साल के अंदर, और मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप बोल रहे हो 65-15 हज़ार गिरना भी भाई कितना होता है? 20% मोटा मोटी वैल्यू गिरना, एंड रियलिटी में तो 40-40% आईटी की वैल्यू गिर जाती है बेटा, फोनों की वैल्यू गिर जाती है। तो बेसिकली ये क्या होता है बच्चे? चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताइए ऑब्सोलीन्स क्या होता है सर? मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी वैल्यू गिरती है? हाँ भाई गिरती है भाई। ऑब्सोलीन्स क्या होता है बच्चे? किसी चीज का बिल्कुल आउटडेट हो जाना, मार्केट से गायब हो जाना। आपने देखा था बच्चे पहले के जमाने में ना ऐसे टीवी होते थे, ये जो ऐसे और पीछे ऐसे बॉक्स बना होता है, ऐसे रेगुलेटर होता था, देखे टीवी आप बच्चों ने? हाँ हाँ ऐसे टीवी देखे बच्चों ने? हाँ सर, ठीक है। आज के टाइम पे मिलते हैं ये? अगर तुम शॉप पे जाओ टीवी लेना, ऐसा मिलता है? नो सर, और आपको पता है ऐसे कंप्यूटर भी होते थे, ये इसके साथ मॉनिटर कनेक्ट, कीबोर्ड कनेक्ट कर दो, और ये साथ में सीपीयू होता था, देखे हैं क्या सर बेटे? बेटे सर आज के टाइम पे तो लैपटॉप होता है सर, हमें नहीं पता ये सब है बेटे, बड़े महंगे होते थे ये। जब मैं छोटा था ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम है संकल्प, ठीक है। तो जब हम 5th 6th क्लास में थे ना, उसके पापा ने उसको एक कंप्यूटर दिलाया था,
ठीक है, सोचो उस टाइम पे कितने का कंप्यूटर होगा, पता है इसमें डेटा कितना होगा, मतलब सीडी भी नहीं होगा, वो होती थी फ्लॉपी, और बहुत ही कम जीबी का, ठीक है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतना कम, बहुत स्लो, कितने का होगा सोचो ये कंप्यूटर। मेरे को आज भी याद है, 80,000 का था, 80,000, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे बताओ आज के टाइम पे तुम इसके 80,000 दोगे? आज के टाइम पे जब तुम कंप्यूटर खरीदने जाते हो, ये मिलता है तुम्हें, ये वाला मॉनिटर? नहीं सर, अरे सर आजकल तो दिखता ही नहीं है सर, आजकल तो लैपटॉप का जमाना है सर, लैपटॉप में इतनी पावर है, वो लैपटॉप को बंद करो कहीं भी कैरी करके चलो, पहले होता था बिजली लगाओ ये लगाओ वो लगाओ, जरूरत ही नहीं है सर। कुछ चीजों का गायब हो गया, जैसे कि पहले आपको ध्यान है चेतक स्कूटर होता था बेटा, स्कूटर होता, अब वो मिलता है? और कोई चीज ऐसी सोचो जो बिल्कुल आउटडेट हो गई, मतलब मार्केट से गायब, और कोई चीज? आप बच्चे फ्लॉपी समझते हो? फ्लॉपी, फ्लॉपी आपने सुना ही नहीं शायद से, पेन ड्राइव समझते होगे, सीडी समझते होगे, पर बेटे मैं उस जमाने का हूं जब फ्लॉपी होती थी, सीडी से भी पहले फ्लॉपी होती थी। अच्छा चलो वो सुना है, वो हो सकता है, ऑडियो सिस्टम होता था कैसेट वाला, यस सर, है ना, उसके अंदर ऐसे वो ब्राउन कलर की टेप होती थी जो उस पे वो होती थी, आज के टाइम पे मिलते हैं वो कैसेट्स मिलती हैं, आउटडेटेड, बड़े महंगे महंगे आते थे वो, 12-12-15 हजार का एक ऑडियो सिस्टम। कुछ चीजों का बिल्कुल मार्केट से चला जाना ऑब्सोलीट होता है, और मेरे पास एक सामान है जो मार्केट में ऑब्सोलीट हो चुका है, उसकी वैल्यू गिर 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 जाएगी। तो बेसिकली वैल्यू सिर्फ यूज करने से नहीं गिरती, अपने आप टाइमली भी वैल्यू गिर जाती है, वैल्यू सिर्फ यूज और टाइम से नहीं गिरती, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी हो जाता है, और भाई सब आउटडेट हो गया तो वैल्यू तो बिल्कुल गई रहे तुम्हारी। मुझे बता दीजिए क्या मैं कह सकता हूँ ये डेप्रिसिएशन का थियोरेटिकल मतलब था। अब आइए जरा मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, क्या मैं कह सकता हूं डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, एक्सपेंस ही तो है, या क्या इनकम है डेप्रिसिएशन? एक्सपेंस एक्सपेंस है, मेरे को बताइए कैश एक्सपेंस या नॉन कैश, कम ऑन कम ऑन, कैश एक्सपेंस नॉन कैश? नॉन कैश, वेरी 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 नॉन कैश गुड, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। देखो जिंदगी में ना तुमने बहुत आगे जाना है, जब तुम थोड़े से और बड़े हो गए मैं तुमको कुछ चीजों को डायरेक्ट भी बता सकता हूँ डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेकिन अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बेटे अभी आप ये कह सकते हो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बोलने का मतलब है कि इसको हमने कहाँ पर दिखाना है बेटे, PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप मुझे बता दीजिए क्या डेप्रिसिएशन को सही निकालना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? एक बात बताओ, अगर मैंने डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा चार्ज कर दी, बहुत ज्यादा चार्ज कर दी, थी नहीं इतनी, इतनी वैल्यू नहीं गिरी थी, बहुत ज्यादा चार्ज कर दी, उससे मेरे प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट क्या होगा? सर कम हो जाएगा प्रॉफिट। गुड, यानी कि इफ डेप्रिसिएशन इज ओवरचार्ज्ड तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। और मेरा आपसे सवाल, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? काम बेटे पेपर में ऐसे आता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए।
और दूसरी बात, अगर अंडर चार्ज है तो नेट प्रॉफिट क्या आएंगे, कम या ज्यादा? ज्यादा और मेरा जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है वो ज्यादा। तो कुल मिलाकर मैं आपको इतनी बात बोलना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन को सही कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट करी तो ना ही तुम्हारे प्रॉफिट ठीक होंगे, और ना ही तुम्हारे एसेट की पोजिशनिंग ठीक होगी, ना ही तुम्हारी बैलेंस शीट ठीक है, और ना ही तुम्हारी पीएनएल ठीक है। मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन का सही निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? कहिए बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ वेरी गुड सर, आप ये सारी बातें बता रहे हो, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं सर? हमने स्कूल में पढ़ा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री, कहाँ लिखी है सर? अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो रहे हो, आपको क्या लग रहा है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं और जगहों पर भी जो पढ़ा रहे होंगे वो सेम ही पढ़ा रहे हैं या डिफरेंट पढ़ा रहे हैं? बोलो, सेम या डिफरेंट? सेम, प्रोविजंस तो सेम है ना बच्चे, बोलो ना बेटे। यस तो जो प्रोविजन सेम है, ये सेम प्रोविजन कहाँ लिखे हैं, किधर से पढ़ के पढ़ाया जा रहा है? और कल को जब तुम नहीं, आप ठीक है, और आप मुझे बताइए, जब कल को आप कंपनी में जाओगे तो क्या मैं कह सकता हूँ यही प्रोविजन लगाओगे? यस, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोविजंस किसने बनाए बेटे? आईसीएआई ने, भारत देश के अंदर अकाउंट्स के प्रोविजन बनाने की जिम्मेवारी आईसीआई की है, ठीक है, और आईसीआई ने ये प्रोविजन जहां लिखे हैं उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। क्या आपने पहले कभी सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम? बताइए, तो यस सर, ये कौन से स्टैंडर्ड में है बेटा? सिक्स हाँ जी, सारे बच्चे बताइए कौन से स्टैंडर्ड में है बेटे? एनर्जी से, सिक्स वेरी सिक्स वेरी वेरी गुड, पर यह है गलत जवाब। ओ माय गॉड, अरे सर आपने तो लिखवाया। हाँ तो सुनो ना बेटे पूरी बात, 6 से हटाकर इसको कहाँ डाल दिया गया है बेटे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। सो दिस डेप्रिसिएशन यूज्ड टू बी इन AS 6, नाउ इट्स नॉट इन AS 6, नाउ इट्स इन AS 10। और पहले AS 6 का नाम क्या था बच्चे? डेप्रिसिएशन। AS 10 का क्या है सर? AS 10 का है बच्चे अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। AS 10 का नाम बताओ बच्चे क्या है? अकाउंटिंग ऑफ, ठीक अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि सर क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो 10 में ही आ गया, ठीक है सर। तो 6 में क्या है? 6 है ही नहीं बेटे। अगर कोई आपको बोले व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, कुछ नहीं है अब आज के टाइम पे, नहीं। तो AS 6 के सारे प्रोविजन कहाँ डाल दिए गए बेटा? AS 10 में। और AS 10 का नाम क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी गलत है, फिक्स्ड एसेट का अब नाम बदल गया। कोई बच्चा बताएगा फिक्स्ड एसेट का नया नाम? सिर्फ इसको गलत कह रहा हूं। गुड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स प्रॉपर्टी प्लांट। सर अब हम कंफ्यूज हो गए सर, आप फाइनल बताओ। फाइनल बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन के सारे प्रोविजन कहां पर हैं? AS 10। और AS 10 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर PPE। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। रादर आप ये बोल सकते हो सर, देखो कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा फिक्स्ड एसेट बोल नहीं सकते, लेकिन फिक्स्ड एसेट का नया नाम क्या है बच्चे? PPE, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट
एंड एक कहिए बेटे कैसी रही। सर अब फाइनल क्या है, फाइनल ये है बेटा AS6 कुछ भी नहीं है, जीरो। तो डेप्रिसिएशन की सारी बातें कहां पर है, कौन से स्टैंडर्ड में बच्चे डेप्रिसिएशन की सारी बातें, PS10, टेन। PS10, और AS10 का नाम क्या है, पीपी, PPE, अकाउंटिंग फॉर पीपीई। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ पीपीई। बताइए क्या आपको थ्योरेटिकली कनेक्ट हो गया बच्चे डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए सर हमने डेप्रिसिएशन में क्या क्या पढ़ना है जल्दी बता दो। हाँ तो लिखो, ये सब लिख लिया बच्चों ने, यस सर। चलिए सब बच्चों ने लिख लिया तो बढ़िया है, नहीं तो अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है। और अब हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ, आ जाओ। ये साथ साथ बना लेना बच्चे, जर्नल एंट्री। ऑल्टरनेटिव नंबर वन, ऑल्टरनेटिव नंबर टू। देन लेजर बनाने सीखेंगे, कौन कौन से लेजर सर, आइए देखते हैं। जो भी आप फिक्स्ड एसेट बनाएंगे उसका लेजर अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। जो भी डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, याद है बच्चों स्कूल में डेप्रिसिएशन इसके लेजर बनाए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर। एंड लास्ट एसेट डिस्पोजल का लेजर। सर एक बात बताओ, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में जनरली लेजर बनाने आते हैं बच्चे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये तो आपको आता होगा, कौन कौन कोई मेथड सुने हैं बच्चों, बताओ बच्चे, थोड़ी सी बातें करते हैं। रेड लाइन, कौन सा भाई, कौन स्ट्रेट सा, लाइन मेथड, ग्रेट लाइन वेरी मेथड, गुड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड शॉर्ट में लिख देता हूँ, SLM। इसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन्स 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 रिमेन्स, सेम हाँ सेम गुड। और एक और होता था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वेरी गुड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल बढ़ती रहती है, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स गुड। सर जी हर साल डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, नहीं हर साल डेप्रिसिएशन के हो जाएगी कम, हो जाएगी कम, हो जाती थी ना बच्चे। और कोई मेथड करा था स्कूल में, प्रोडक्शन मेथड, स्कूल में करा हुआ है बच्चे, स्कूल में करा हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से तो स्कूल में दो होते थे, और भी होते थे क्या, प्रोडक्शन मेथड आपने बिल्कुल सही बोला, बट एक सीक्वेंस से लिख देते हैं। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड, ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे नोट्स बन रहे हैं, नोट्स बनाओ बस, इतने अच्छे अच्छे नोट्स बन रहे हैं बेटा तुम्हारे। उसके बाद और क्या होता था, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं, नोट्स बनाओ बस।
मशीन आवर्स मेथड, इसमें क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ बस। डिप्लीशन मेथड, सर इसमें क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ। नोट्स अच्छे बन रहे बेटे, साथ साथ बना लिया बच्चों ने। अच्छा जी, इतना सारा करना पड़ेगा बेटे। हाँ बेटे हाँ। नेक्स्ट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या करना होगा देखेंगे। और सर इसी से रिलेटेड चेंज इन सैलवेज वैल्यू, लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा जी, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ बेटे हाँ। एंड लास्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो कुल मिलाकर बच्चे ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कर ली। तो ये आपका चैप्टर का एक ओवरव्यू है बच्चे। ये सारी बातें मुझे करनी है, 3 से 4 क्लासेस में होंगी। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। एक बार इसको नोट कर लो बच्चे, अगर नोट कर लिया तो बता दो प्लीज चैट बॉक्स में, लिख देना बेटा अगर नोट कर लिया तो। साथ साथ ही करना है बच्चा, साथ साथ कर लोगे तो जिंदगी सही रहेगी भाई। डन, ओके ठीक है बच्चा। चलिए एक एग्जांपल करेंगे बेटा छोटा सा, बाकी जब तुम आओगे तो फेस टू फेस ही करेंगे। आओ ये एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसी एग्जाम्पल से नमस्ते करेंगे आज का। एग्जाम्पल नंबर वन, मिस्टर ए परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 5 लाख ऑन 1/4/18। अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटे कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे सर। ठीक है जी, क्या करेंगे देखेंगे बेटा, एक बार लिख लो इसको। लाइफ ऑफ द एसेट 5 years। अच्छा जी, लाइफ 5 साल है जी एसेट की, बहुत अच्छी बात है। सैलवेज वैल्यू 1 लाख। सैलवेज वैल्यू क्या होता है मैं बताऊंगा बेटे, टेंशन मत। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM, ओहो फेवरेट वाला, ये तो सबसे सिंपल होता है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर 1819, 1920, 2021, 2122, 2223। हमको क्या करना है भैया? हमको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लो बच्चे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है,
क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं फिक्स्ड एसेट को कितने रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा? भाई 5,50,000। सर सर बट वो तो 5 लाख का खरीदा है सर, 5,50 का क्यों? इंस्टॉलेशन चार्जेस इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड। इंस्टॉलेशन चार्ज तो पीएनएल में चला जाएगा सर, एसेट में क्यों? इंस्टॉलेशन, व्हाई इट इज, व्हाई आर यू एडिंग इंस्टॉलेशन इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट? यू आर एडिंग, बिना यूज नहीं कर सकते एसेट को एग्जैक्ट इंस्टॉल करे बिना। एग्जैक्टली। तो पहली बात सर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में जुड़ती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ इतने से जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। रीजन क्या है बेटे? जब तक एसेट तैयार नहीं होता ना, देसी शब्दों में तैयार, रेडी टू यूज, तब तक उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा? उसी एसेट की कॉस्ट में। बेटे जिस घर में आप बैठे हो, क्या मैं कह सकता हूं, आप कहते हो सर ये जिस घर में मैं बैठा हूं ना, इसकी ये जो बिल्डिंग है ना 50 लाख की बनी सर, बिल्डिंग, लैंड की बात नहीं कर रहा, लैंड की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग। पर मुझे बता दो, इस बिल्डिंग के अंदर सीमेंट सरिया लगा है, पर लेबर भी तो लगा है, तो क्या तुमने लेबर को ट्रेडिंग में डाला होगा या बिल्डिंग की कॉस्ट में ही डाल दिया होगा? बिल्डिंग की हाँ, बिल्डिंग की कॉस्ट में सर। पर हमने बचपन से वेजेस को ट्रेडिंग में देखा है। हाँ तो भाई, ये वो वेजेस हैं जो कि बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग को बनाने के लिए जो लेबर की कॉस्ट लग रही है ना, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाती है, क्योंकि जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी सारा खर्चा बिल्डिंग में जाएगा भाई। तो बेसिकली अगर मैं आपके साथ सबसे पहली एंट्री डालूंगा 1/4/18 को, क्या आप मुझे एंट्री बता देंगे? फिक्स्ड एसेट डेबिट टू भाई कितने रुपए? 5,50,000। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, अगर मैंने कैश में पेमेंट करी होती तो कैश गुड गुड, और अगर मैंने उधारी पे ली होती तो? टेंडर का उधारी पे ली होती तो क्या क्रेडिट करूंगा? चैट बॉक्स में लिखी, नाम नहीं दिया हुआ पार्टी का, सिर्फ लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्या लिखूं? फिक्स्ड एसेट डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? अनीश जी कह रहे हैं क्रेडिटर, मन्नू क्रेडिटर, प्रणव वेंडर, आस्था सप्लायर, पलक क्रेडिटर, यश वेंडर क्रेडिटर। जितने भी बच्चे, चलिए और क्या कह रहे हैं, अन्नू जी क्रेडिटर, प्रिया क्रेडिटर, इरफान क्रेडिटर, क्रेडिटर इज ए रॉन्ग आंसर। टेन 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 टेन। बेटे क्रेडिटर वर्ड मालूम है किसके लिए यूज होता है? सिर्फ क्रेडिटर होता है उधारी, लेकिन किस चीज की? गुड्स की बेटे, गुड्स की। ये गुड्स नहीं है बेटे, तुम्हारी जिंदगी में गुड्स से रिलेटेड 4 वर्ड है बेटा, पेटेंट है, कोई नहीं बुलाएगा कोई ये वर्ड, कोई बिना अगर गुड्स नहीं है तो यूज नहीं होते, और वो 4 वर्ड है परचेज्ड सेल्स क्रेडिटर्स डेटर्स। दीज वर्ड्स आर यूज्ड ओनली इन रिलेशन टू गुड्स। मेरा आपसे सवाल, आपने गुड्स परचेज करे हैं क्या? जब आपने गुड्स परचेज नहीं करे तो आप क्रेडिटर वर्ड कैसे यूज कर रहे हो? सो द करेक्ट आंसर इज वेंडर। एक बच्चे ने सप्लायर भी लिखा है, सप्लायर भी बेटा क्रेडिटर जैसा हो जाता है। आप इसको चाहे वेंडर बोल सकते हैं, या आप इसको बच्चे बोल सकते हो पार्टी अकाउंट, बट बेटा प्लीज क्रेडिटर वर्ड यूज मत करो, ठीक है बच्चे? मुझे बताइए, फर्स्ट एंट्री क्लियर है? वेरी 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 गुड। अब क्या करें,
सर जी फर्स्ट डे डेप्री हमने परचेज करा, चलो एक नोट लिख दे, नोट लिखते हैं साथ में। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट बिकॉज क्या लिखना है, ठीक है समझा दिया मैंने तुम्हें, इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दी, ठीक है सर। अब मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालू सर, सिर्फ ये बता दो कौन से दिन डालू एंट्री। 31 मार्च सर जी डेप्रिसिएशन जिस दिन खरीदा उसी दिन चार्ज कर दें या साल के एंड में। साल के एंड में। वेरी गुड, तो इसी बात पे एक प्रॉपर्टी ऊपर लिख भी लो अगर जगह है तो। कैन आई से डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल लेकिन अगर मैंने एसेट पहली बेच दिया तो कह सकता हूं जब बेचा तो तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते, है ना बच्चों। एनीवेज मुद्दे की बात ये है, 31 मार्च 19 को प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछ रहा हूँ, एंट्री क्या डाल। डेप्रिसिएशन टू फिक्सेशन। वेरी 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 गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। सर आपको एंट्री बता दी, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अमाउंट 55,000 कितना, 9,000। अनीश कह रहे 9,000, मुझे भी नहीं पता भाई, एक बार जरा फैक्ट्स देखो, एक बार डिप्रिसिएशन निकालो, एक बार 9,000 तो नहीं होगा ब्रो, मतलब 5 लाख का एसेट है ना, एक बार डिप्रिसिएशन निकालोगे बेटा। कुछ भी निकालो, एनी एनी गेसेस, ठीक है कोई ऐसा नहीं, 90,000 देखते हैं। प्रिया जी क्या आ रहा है बच्चे, 90 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। इरफान, अमन ट्राई करो, और क्रिश का आया है 1,10,000। आइए प्रणव 90,000। बेटे मैं बड़ी सिंपल सी गणित से समझाता, मैंने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, मेरे को आंसर देना, मैंने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, उसकी लाइफ है 5 साल, एसेट खरीदा 100 रुपए का, लाइफ है 5 साल, दैट्स इट, कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी। 20 रुपये। सब बच्चे कनेक्ट कर पा रहे, 20 रुपए, एग्जैक्टली 20 रुपीज, 100 रुपए का एसेट, 5 साल लाइफ, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 20 20 20 20। यहां पर एसेट कितने का है बेटा, 5,50,000, और लाइफ कितनी है बेटा, 5 ईयर, तो कितना आंसर आ गया, 1,10,000। 10,000 पर ये सही नहीं है, माइनस करेंगे। हाँ ये सही नहीं, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, नया तो नहीं है वैसे, स्कूल में करा हुआ है। सर जी ये सेल्वेज वैल्यू क्या होता है बेटे, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, सेल्वेज वैल्यू होता है कि जब भी एसेट मैंने सोचा कि अब मुझे यूज नहीं करना, यानी कि जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो ये मार्केट में इतने का बिक जाएगा। बेटे मैंने ना 2011 में रॉयल एनफील्ड खरीदी थी, कितने की पूछो, कितने की खरीदी थी पूछो, कितने 1,25,000। कौन से साल में खरीदी थी पूछो बेटे, 2011। 2011। आज मैं वो रॉयल एनफील्ड बेच रहा हूं,
कितने की बिक्री है मालूम है? 85,000 की। क्या मैं कह सकता हूँ ये सेल्वेज वैल्यू है टेक्निकली, जो पहली प्रिडिक्ट हो सकती थी। अभी ना क्लास के बाद, ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने खरीदी कितने की बच्चे? 1.25। और जब मैंने खरीदी थी मेरे को तभी आइडिया था भाई ये नहीं गिरती वैल्यू, भाई अभी तो ज्यादा पे भी बिक जाती है कभी कभी तो लोगों की बुलेट, ठीक है। 85 की बिक्री है। मुझे बताओ मोटा मोटी तुमको क्या लग रहा है मेरा खर्चा कितने का हुआ? 40। 40। देखो बेटे जब खरीदी तो जेब से तो पूरा पैसा निकला, पर वापस भी तो आ जाएगा ना। तो बेसिकली सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, जब हम जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, आपको एक आइडिया होता है ना यार ये मैंने 20,000 का खरीद लिया, 5 का तो बिक ही जाएगा। मैंने गाड़ी खरीदी यूज करके, 1 लाख की तो बिक ही जाएगी। तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, जो कि आपको लगता है यार अभी तो मैं खरीदा है मैंने 5.50 का, लेकिन 5 साल बाद ये कितने की बिक जाएगी बेटा? 1 लाख की। तो आप मुझे बताइए क्या तुम्हारा खर्चा 5.50 हुआ या 4.50 हुआ? 450। एग्जैक्टली। एंड दैट एक्सपेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 ईयर्स, सो इट विल बी 90,000। इसको मैं फॉर्मूले में लिखवा सकता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट, ओसी इज ओरिजिनल कॉस्ट भाई, कितने की खरीदी है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? सेल्वेज वैल्यू भाई कितना मिल जाएगा? 1 लाख। और डिवाइड किससे कर दिया बेटा? सो यू कैन से, नीचे लिख देता हूं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय, नब्बे 90,000 हो। कहिए बच्चे क्या आपको क्लियर है? हाँ जी बताइए क्या आपको क्लियर है? सर। और ये कोई अकाउंट्स नहीं चल रही, अगर आपको ये लग रहा है ना ये अकाउंटिंग लॉजिक है, काय बात की अकाउंटिंग लॉजिक है, आ जाओ जरा मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कोई एसेट खरीदा 5.50 का, उसकी लाइफ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 31 मार्च, ये क्या डेट थी? 1/4/2018। तो ये क्या हो जाएगी? 31 मार्च क्या था? 23। मेरी बात ध्यान से पकड़ना बात को। सपोज करो एक एसेट होता 100 साल, सॉरी एक एसेट होता उसका वैल्यू होती 100 रुपए और लाइफ 5 साल, 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या आती बेटा? 5 साल बाद जीरो जीरो। जीरो। अगर एक एसेट है 5,50,000, छोड़ो ना सेल्वेज वैल्यू को, जीरो है सेल्वेज वैल्यू, मैं कह रहा हूं छोड़ो ना सेल्वेज वैल्यू, एक एसेट है 5.50 का, 5 साल डेप्रिसिएशन है, पर ये डेप्रिसिएशन कितनी आती फटाफट बताओ? 1,10,000। 1.10। जब 5 साल 1.10 लगाते तो वैल्यू कितनी आ जाती? जीरो। क्यों, गलत बोल रहा हूं क्या या सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। वॉट इज माई प्रेजेंट केस, लेट अस एनालाइज द प्रेजेंट केस। वट इज द डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर जो हम कर रहे हैं, वट इज द डेप्रिसिएशन? नहीं अगले साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल, बिकॉज सिंपल है SLM है जी, 90,000 लगेगा। मेरा आपसे सवाल क्या आपकी वैल्यू जीरो आ रही है क्या? सर, कितनी वैल्यू आ रही है? 1,00,000। आप मुझे रीजन बता सकते हैं 1 लाख के बारे में? जीरो क्यों नहीं आ रहा, जीरो क्यों नहीं आ रहा? ये
दिप्ति सिंह क्योंकि हमने पता 450 से कैलकुलेट नहीं किया। है एग्जैक्टली मैंने खुद ही तो करा हुआ है ये। मैं क्या बात घबरा रहा हूं बेटे, फॉर्मूला करते टाइम खुद ही मैंने 550 को 5 से डिवाइड नहीं करा, मैंने 550 में से 1 लाख को साइड कर दिया, 450 बचे उसको बिछाया 5 साल में। तो बेटे ये तो ऑब्वियस बात थी ना कि 1 लाख रुपए तो बचेगा ही बचेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है। ये तो मैंने खुद ही फॉर्मूला ऐसे करा है कि साल के एंड में सैलवेज वैल्यू बच जाए, बिकॉज जब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाया तो मैंने बोला नहीं भाई, जो पैसा आ जाएगा वो तो मेरा खर्चा ही नहीं है, मेरा खर्चा तो 4.5 लाख है। तो बेटे 4.5 लाख को ही तो बिछाया ना मैंने, 1 2 3 4 5, ये रहा 4.5 लाख, एसेट था 550 का, तो 1 लाख तो बचना ही था ना बेटा, इसमें अकाउंट थोड़ा चल रही है, मैथमेटिकल लॉजिक है ना ये तो। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत आपको? नो सर, मेरा आपसे सवाल अगर आपको क्लियर है, लेवल आना चाहिए क्वेश्चन का, ये सब चीजें पूछी नहीं जाती है, पर मैं आपसे पूछ, एक एसेट है जिसकी सैलवेज वैल्यू है 50,000, एक एसेट है जिसकी सैलवेज वैल्यू है 50,000, वो मैंने पूरा डिप्रिशिएट कर दिया है जितनी भी लाइफ है, मुझे बताओ बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही है? 50,000 गुड, 50,000। एक एसेट है जिसकी सैलवेज वैल्यू है 0 एंड इट्स बीइंग डेप्रिशिएटेड फॉर 5 इयर्स, दैट्स द लाइफ, व्हाट इज द बुक वैल्यू? जीरो गुड, जीरो आपको क्लियर है लॉजिक? कोई डाउट किसी बच्चे को? सागर, संगम, प्रिया जी, प्रणव, पलक, सब क्लियर है बच्चे सबको? कूल, तो बस बेटे आइए नमस्ते करते हैं फटाफट, ठीक है सर? अब आप अब एंट्रियों पे फोकस करो, हमने समझ लिया, आओ बेटे बस अब तो खत्म, ठीक है सर? हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन डाला, और बेटे बचपन से तुम एक एंट्री डालते हुए आ रहे हो, इस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन को किधर भेज देते हो? पीएमएल टू एंड लॉस। डेप्रिसिएशन। सर जी पहले साल की एंट्री खत्म? हाँ बेटे हाँ, अगले साल कौन सा है? 19 20, फटाफट बताओ बेटा, बस 1 2 साल कराऊंगा, बाकी आपके हवाले। 19 20 में कौन से दिन एंट्री डलेगी? 31 मार्च क्या एंट्री डालूं? डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। और इसको ट्रांसफर भी कर दूंगा पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। 20 21, 31 मार्च 21 को डलेगी बेटा एंट्री। क्या एंट्री डलेगी बच्चे, सेम लिख दूं? 90 90 ही तो डालोगे, क्यों? सही कह रहा हूं ना, 21 22, 31 मार्च 22 को क्या एंट्री डालूं बच्चे? सेम टू सेम, एंड लास्ट ईयर 22 23, 31 मार्च 23 को क्या एंट्री जाएगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, सेम टू सेम, 5 साल की एंट्री डाल दी बेटे मैंने। क्या आप बच्चों ने भी डाल दी एंट्री? क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर, यस अगर सर, आपको क्लियर है तो जाते जाते एक एंट्री तो और बना के जाएंगे जी। एक चीज बता दो बच्चे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे बता दो मेरी बुक्स में कितने रुपए से एसेट चल रहा है? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर ऑल दीज एंट्री? 1 लाख। गुड, 1 लाख। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई एम राइटिंग हियर इज, ऑन 31 मार्च 23 एसेट इज सोल्ड फॉर, ओ यहां भी दो ऑप्शन बना दूंगा बेटे तुम्हारी जिंदगी में, 80,000
बेच दिया बेटे, बेच दिया एसेट को, बेच दिया 80,000 का। फटाफट एंट्री बता दो बेटे। बैंक में कितना? फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करूं? 1 लाख। वेरी गुड सर, फिक्स्ड एसेट तो बुक वैल्यू से ही खत्म होगा ना। प्रॉफिट और लॉस? लॉस वैसे तो मैं और फैंसी तरीका लॉस ऑन सेल लिख सकता हूँ, अभी के लिए बेटा पीएनएल लिख के नमस्ते करेंगे। और सर जी, अगर ये एसेट 1,30,000 का बिका होता, भाई बिक तो किसी का भी सकता भाई, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो आप मुझे बता दीजिए क्या एंट्री डालू। बैंक अकाउंट, बैंक में कितना बच्चे? 1,30,000। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म करूं? 1 लाख। या 1,30,000 से? एनी वन फॉर 1,30,000? नो, मेरे बुक्स में कितने रुपए से है फिक्स्ड एसेट? 1 लाख, तो खत्म भी तो 1 लाख लाख ही होगा ना बेटा। हाँ, और मुझे हो गया है प्रॉफिट 30,000 का। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो वो डेबिट होता है। इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं बनाया बेटे, क्या आपने इसको साथ साथ नोट कर लिया था? वेरी 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 गुड। अब आप मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट या एकदम क्रिस्टल क्लियर? क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों बस, क्लियर, सी सी क्रिस्टल क्लियर, सी सी। मनु जी, प्रणव जी, सागर जी, हर्षिता जी, क्लियर, इरफान, ओके, अमन क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। जतिन, संगम, अमन, क्रिश, कूल, नितिन, क्लियर है। तो बस बेटे ऐसे ही चलता रहेगा बेटे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे जिंदगी में, और अपना टारगेट बेटे बस ध्यान रखना। सब बच्चों को पता है ना डेट शीट आ चुकी है सीए के बच्चों की? 24 दिसंबर से पेपर है बेटे तुम्हारे, और टारगेट है हमारा 320+। कितना टारगेट है बच्चों? 320+। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, डेली के एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर ऐसे मेहनत करके बनाएंगे और डेफिनेटली आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे, वहीं मिलेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर, ओके, थैंक यस। यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।